हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। देश भर में कांग्रेस का लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जारी है, जिस पर महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में केंद्र सरकार की हिटलरशाही जारी है। रोजाना डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से आम जनता त्रस्त आ गई है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक देश में महंगाई पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध करती रहेगी। हम लगातार अपनी विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाते रहेंगे, ये महंगाई बढ़ाते रहे। हमें पता है आम जन महंगाई से परेशान है, परंतु इस महंगाई के लिए आवाज उठाने के लिए हम विपक्ष के रूप में हमेशा तैयार हैं, हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। जनता सचेत है, धीरे धीरे जनता की समझ में आ रही है, इनके सब्ज बाग दिखाए हुए अब वो उजड़ने वाले हैं।